दिनों अक्षय कुमार की दो फिल्में बहुत चर्चाओं में हैं, एक तो सूर्यवंशी और साउथ सुपरस्टार कंचना 2 की रीमेक लक्ष्मी बॉम्ब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीवुड टशन। अभी अक्षय कुमार ने लक्ष्मी बॉम्ब का पहला शेड्यूल पूरा किया है और सूर्यवंशी की शूटिंग स्टार्ट कर दी है। और सूर्यवंशी की शूटिंग स्टार्ट करते के दौरान ही उन्होंने लक्ष्मी बॉम्ब का पहला पोस्टर रिलीज किया। पोस्टर को देखकर लग रहा है कि अक्षय कुमार काफी बेहद अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। पोस्टर में अक्षय कुमार अपनी आंखों में काजल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे इस लुक को देख के तो फैंस बहुत क्रेजी हो गए हैं। वैसे जहां एक तरफ लक्ष्मी बॉम्ब का पोस्टर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने फिल्म छोड़ दी है। जी हाँ, राघव लॉरेंस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह स्टेटमेंट देते हुए जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, डियर फ्रेंड्स एंड फैंस, इन दिस वर्ल्ड मोर देन मनी एंड फेम, सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट टू अ पर्सन्स कैरेक्टर। So I have decided to step out of the project, Lakshmi Bomb, Hindi remake of Kanchana. साथ ही साथ उन्होंने लिखा है, I can hold back my script because I haven't signed any agreement regarding this film. But I won't do it because it is not professional. I am all ready to give my script because I personally respect Akshay Kumar sir a lot. They can replace me with some other director according to their wish. Soon I am going to meet Akshay Kumar sir to give the script and step out this project in a good way. All the very best to the entire team. I wish the movie a great success. और उन्होंने साथ ही साथ ये भी लिखा है कि there is an old popular saying in Tamil which tells don't step into any house where there is no respect. In this world more than money and fame, self respect is the most important attribute to a person's character. ऐसा क्या हुआ कि राघव लॉरेंस ने बीच में ही लक्ष्मी बॉम्ब को छोड़ दिया? वैसे राघव लॉरेंस ने कंचना की फ्रेंचाइजी में अभिनय और डायरेक्शन किया है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, राघव लॉरेंस का अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है। जैसे कि फिल्म की रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है, 5 जून 2020। और फ्रेंड्स आपको बता रहे हैं कि सितंबर में इसका दूसरा शेड्यूल भी शुरू होने वाला है, तो अभी देखना होगा इसको कौन डायरेक्ट करते हैं। हो सकता है राघव लॉरेंस को दोबारा बुला लिया जाए, या हो सकता है कोई दूसरा डायरेक्टर इस फिल्म को डायरेक्ट करे। वैसे अक्षय कुमार की रेपुटेशन की बात करें तो अक्षय कुमार के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और उनकी टीम हमेशा उनसे खुश रहते हैं। बट इस बार लक्ष्मी बॉम्ब में क्या कहानी थी हमें नहीं पता। वैसे जैसे ही हमें पता लगेगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें कियारा आडवाणी और अमिताभ बच्चन भी नजर आने वाले हैं। तो आप क्या चाहते हैं, इस मूवी को राघव डायरेक्ट करें या कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट करें? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें बॉलीवुड टशन के साथ।